मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करते हुए भाजपा के दो कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाकर न्याय की गुहार लगाई है। इन दोनों कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर मुरादाबाद मेयर व भाजपा पार्षद से अपनी जान का खतरा बताया है। अभी कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर अपने आप को भाजपा के कार्यकर्ता बताते हुए कटघर थाना इलाके के रहने वाले सोनू सैनी और दिनेश कश्यप ने एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें ये दोनों मुरादाबाद मेयर विनोद अग्रवाल और वार्ड पार्षद रानी सैनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी जान का खतरा बता रहे हैं। इन दोनों युवकों ने सीधे तौर पर कहा कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो इसके जिम्मेदार मेयर और पार्षद रानी सैनी को माना जाए। दरअसल इनके द्वारा होली के एक दिन पूर्व कटघर थाने के दरोगा के साथ मारपीट प्रकरण का जिक्र किया गया है। इन्होंने अपनी सफाई में कहा कि उस झगड़े से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 2-3 साल पुराने विवाद के चलते मेयर विनोद अग्रवाल और रानी सैनी ने मिलकर इस मामले में झूठा नाम लिखवा दिया है। इन युवकों ने इस वीडियो में न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि वो जेल जाने से नहीं डरते, पर उनके पीछे मेयर और पार्षद रानी सैनी ने गुंडे लगा रखे हैं जो किसी भी समय उनकी हत्या कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि इस मामले की पूरी तरीके से जांच हो। वहीं भाजपा पार्षद रानी सैनी ने इस पूरे मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा कि इन लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की थी और मेरे घर पर आकर हमला भी किया था। अब वो लोग कोई भी वीडियो वायरल करें, उससे कुछ नहीं होता। वहीं मुरादाबाद मेयर इस मामले में कुछ भी कहने को मुरादाबाद में मौजूद नहीं है। जय श्री राम सभी भाइयों को। मेरा नाम सोनू सैनी, मैं पीतलबस्ती बलदेवपुरी वार्ड 44 का रहने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि बलदेवपुरी में होली की रात पब्लिक द्वारा पुलिस से मारपीट की गई, जिसमें हमारे पिता तुल्य दरोगा पुष्पेंद्र जी को काफ़ी चोटें आईं। उस बात का हमें काफ़ी दुख है, लेकिन इस पूरे मामले में मेरा व मेरे दोस्त दिनेश कश्यप, मेरे पिताजी का कोई रोल नहीं था। हम अपने अपने घर पर थे। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें रानी सैनी, विनोद अग्रवाल पुलिस पर दबाव बना रहे हैं इस पूरे मुकदमे में हमें शामिल करने के लिए। ये पहले भी प्रयास कर चुके हैं हमें झूठी साजिशों में फंसाने के लिए 2018 में। मेयर विनोद अग्रवाल की मैंने पहले भी ऑडियो इसी चक्कर में वायरल की थी, जिससे हमें साफ साफ इनका पर्दाफाश हो गया था, और हमें इस मामले में जानबूझ कर घसीटा जा रहा है। और रानी सैनी के लड़के ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है फ़ोन पर, शुभम सैनी ने। और इनका गुंडे विनोद अग्रवाल जी के और रानी पार्षद, इनके गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं बुरी तरीके से, और मेरे पर एक बार हमला भी कर चुके हैं। मुझे डर नहीं है पुलिस प्रशासन का। पुलिस प्रशासन हमें भले ही अरेस्ट करके हमें जेल भेज दे, इस बात का हमें दुख नहीं है, क्योंकि हमने ये गुनाह किया ही नहीं है। हमें सज़ा मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले की मुझे जांच कराई जाए। मेरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से ये निवेदन है कि इस पूरे मामले की जांच कराकर उन दोषियों को सजा दिलाई जाए जो इसके गुनहगार हैं। बल्कि उनको नहीं, जो बिना वजह जिन्होंने ये गुनाह किया नहीं है उन्हें सजा मिल रही है। मैंने बचपन से ही भाजपा बीजेपी का साथ दिया है और इन्हीं का ही समर्थक हूँ। रहूँगा भाजपा का, रहूँगा, मरूँगा, लड़ूँगा भी, लेकिन मैं कभी भाजपा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। रानी सैनी ये चाहती हैं कि ये भाजपा से निकलकर भागे, तो भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं भाजपा पार्टी छोड़ नहीं सकता। मेरा पूरा परिवार भाजपा का है और रहेगा। इन्होंने मेरे ऊपर कई बार हमले करवा चुके हैं, और यह मामला किसी और का था। ये जानबूझकर मुझे, हम तीनों भाई, दोनों भाइयों को और मेरे पिताजी को जेल भेज दिया गया है, और हमें जानबूझकर फंसाया गया। हम दोनों भाई फरार हैं, अपनी जान बचाने की जान बचाते बचाते हम पता ना कहां आ चुके हैं। और आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन गुंडों से हमारी जान को बहुत खतरा है। मेरी अगर मृत्यु हो जाती है इस बीच में कहीं भी, तो इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार विनोद अग्रवाल और रानी पार्षद, ये पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेदार होंगे मेरी मृत्यु के। क्योंकि मुझे पुलिस मारेगी नहीं, पुलिस ने तो मेरी मदद ही की है, और पुलिस के साथ मैं उठता बैठता भी हूँ। पुलिस अच्छी तरीके से जानती है कि हाँ, ये सोनू सैनी ने और दिनेश कश्यप ने ये गुनाह नहीं किया है, लेकिन पुलिस के ऊपर भी बहुत दबाव है, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। मेयर विनोद अग्रवाल बार बार फोन करके इन पर दबाव बना रहे हैं कि इन्हें जेल भेजो, क्योंकि ये अपनी पुरानी रंजिश मुझसे निकाल रहे हैं। क्योंकि 2018 में काफ़ी इनकी मैंने छवि धूल की थी, क्योंकि ये भाजपा को बदनाम कर रहे हैं। ये रानी सैनी हमारे तरफ से वार्ड 44 से पूरी तरीके से बीजेपी को खराब कर चुकी है। इसका कोई आगे साथ देने वाला भी नहीं है, और ना ही ये बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी के लिए होती तो इस तरह की कोई घटना करती नहीं।
मैं दिनेश कश्यप पीतल नगरी का रहने वाला। जिस दिन ये घटना हुई थी मैं अपने घर पे था, सोनू भाई का फ़ोन आया था मेरे पास कि दिनेश भाई ऐसा हो गया है, तुम जो है अपने घर से थोड़े से बाहर हो जाओ। जिन लोगों ने ये कहा है करा है वो लोग कर चुके हैं और पुलिस ने पकड़ लिया है उन्हें। तुम लोग कैसे भी तैसे निकलो यहाँ से। तब मैं घर से निकला और निकल के मैंने देखा छत पे जाकर के कुछ भी नहीं था, पर मैं फिर सो गया। सोने के बाद में जब मुझे 2 दिन बाद पता लगा कि पुष्पेंद्र दरोगा जी ने साफ साफ मेरा नाम लिया है और कहा है कि सोनू सैनी और दिनेश कश्यप ने मुझे लाठी डंडों से मारा है, तब मैं 2-3 दिन बाद वहाँ से निकला तो मैंने देखा मामला गंभीर है। कुछ निकलते निकलते मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ। जय श्री राम। घटना है एक दरोगा जी को होली वाली रात को, जिस दिन पूजन था उस दिन दरोगा जी को इन्होंने 50 पहले मेरे घर मुझे आके इन्होंने उठाया 1:30 बजे कि पुलिस ने ऐसे ऐसे करा, हमें होली पे होली नहीं जलाने दे रही। तो मैंने कि भैया इंस्पेक्टर साहब से बात कर ले रहे हैं अभी। इतने ही मैं कपड़े चेंज करके मोबाइल लेने अपना ऊपर गई हूँ, इतने में ही 50-60 जने आके दरोगा जी निकल के जा रहे होंगे पुष्पेंद्र दरोगा जी को इन्होंने लाठी तमंचे डंडे इनके पास थे, इन्होंने पुष्पेंद्र दरोगा जी को मारा है। हमारे मेंबर साहब जब बचाने गए तो उन्हें भी मारा, उसमें हमारी क्या गलती है। ये मेरे घर पे आके इन्होंने इतना बड़ा हमला करा है तो बताओ, एक पार्षद को नहीं छोड़ेंगे, एक पुलिस प्रशासन को नहीं छोड़ेंगे तो किसे छोड़ेंगे। अब ये गुंडे अपना बचाव करेंगे कि पार्षद जी मरवाएंगे या मेयर साहब मरवाएंगे, तो मेयर साहब और पार्षद जी क्यों मरवाएंगे। मेयर साहब जब पार्षद जी थोड़ी गई थी उनके घरों पर, ये हमारे घर पर आए थे। आपकी क्या कोई पुरानी रंजिश है? कोई पुरानी रंजिश नहीं है। नहीं, 2018 का वो जिक्र कर रहे हैं। नहीं, मेरी कोई रंजिश नहीं है। आरोप गलत मानती है? हाँ बिल्कुल गलत है। उसे वो अपनी नेतागिरी में ये सब भूल गया है कि मेयर कौन है, सभासद कौन है, पुलिस प्रशासन कौन है। वो अपने आप का इतना बड़ा गुंडा बन चुका है कि उसे सब कुछ भूल गया है। और अपने उसके लिए अब क्यों भाग रही है पुलिस से अगर उन्हें गलती नहीं करी है तो। जब गलती करी है, फुटेज में आ गया है वो, जब तो पुलिस उठा रही है उसे। तो क्या वो भाजपा से जुड़े हैं क्या? कोई भाजपा से नहीं जुड़ा, खुद तो भाजपा कार्यकर्ता। नहीं, कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, ये गुंडा है और कुछ नहीं।